आरोग्य जागृति। दोस्तों, जैन समाज हमेशा दूसरों की मदद करने के मामले में सबसे आगे खड़ा देखा गया है। जैसे अनाथ बच्चों को कपड़े और खान पान की चीजें देना और बेसहारों को सहारा देना, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों में अनाथ और बेसहारा बच्चों को गिफ्ट देना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये तो हमेशा देखा गया है। जैन समाज के पुरुष तो ये काम काफी सालों से करते आ रहे हैं। इसमें जैन परिवार की महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली। पिछले 3 सालों से जैन परिवार की महिलाएं भी इस पुण्य के काम में लग गई हैं। 26, 27 और 28 सितंबर 2019 को औरंगाबाद के श्री हरिचंद के कासलीवाल प्रांगण में जैन महिलाओं की ओर से जैन टैग प्रेजेंट फैमिली ट्रेड एंड फन फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 70 स्टॉल लगे हैं। खान पान की चीज़ों के साथ साथ गृह उपयोगी वस्तुओं के स्टॉल भी हैं। साथ ही उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से डॉक्टर सारडा और मैडम सारडा ये शुगर से पीड़ित बच्चों का इलाज कर रही हैं। कई सालों से इंसुलिन भी दे रहे हैं। उन्हीं बच्चों को इस फन फेयर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि इन बच्चों की मदद के लिए और भी हाथ सामने आकर इनका योगदान करें। आरोग्य जागृति सभी दानवीरों से निवेदन करता है कि जैन टैग फैमिली ट्रेड में आकर इनकी मदद करें, क्योंकि इस फैमिली ट्रेड और फन फेयर के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन गरीब, अनाथ, विकलांग और बीमारी से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला है। जय जिनेन्द्र, मैं रीना ठोले, जैन टैग की प्रेसिडेंट, फैमिली ट्रेड एवं फन फेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिनांक 26, 27 और 28 सितंबर हीराचंद कासलीवाल प्रांगण नवाबपुरा में यह फैमिली ट्रेड फन फेयर होने जा रहा है, जिसके लिए हमें सबसे बड़ी आरसी बाफना वालों की मेन स्पॉन्सरशिप मिली है और को स्पॉन्सर्स में विक्रम टी और सिल्वर ड्रॉप वालों की स्पॉन्सरशिप मिली है। यह एग्जीबिशन दोपहर के सेशन में, दोपहर में 2 से 4 हमने फ्री डेंटल चेकअप, इसके बाद दूसरे दिन है मेकअप, हेयर स्टाइल फ्री, पर्सनल मेकअप पे लेक्चर रखा है, और तीसरे दिन जो है बॉडी डिटॉक्स पे, मतलब इंटरनल बॉडी केयरिंग पे लेक्चर रखा है। तो इसका सभी लोग आकर लाभ लें। उसके बाद एक पहले दिन 26 तारीख को 11 बजे इस ट्रेड फेयर का ओपनिंग हो रहा है। इस समय हमने उड़ान के बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। उड़ान एक ऐसी टीम है जो बहुत सालों से काम कर रही है, पर यहाँ के हर आम पब्लिक को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको हमको फ्री में इंट्रोड्यूस कराना है। और वो डायबिटीज़ के बच्चे होते हैं जिनको 5 दिन तक अगर इंसुलिन नहीं दिया जाए तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग उनको यहाँ बुला रहे हैं कि आम पब्लिक को, आम जनता को ये पता चले कि ये लोग कई सालों से सर्विस कर रहे हैं और हम इनके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों को अपनी तरफ से, जैन टैग ग्रुप की तरफ से हमको एक स्पॉन्सर्स मिले हैं, नाम विजय कुमार, नवीन कुमार जी पाटनी, अपनी ओर से इनको इंसुलिन और फ्री मेडिसिन देने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 70 स्टॉल है, इसमें से 10 स्टॉल फूड के रखे गए हैं और बाकी आम जैसे कपड़े, ज्वेलरी, बेडशीट, दिवाली के आइटम्स, सब मिक्स, घर के खाद्य पदार्थ वगैरह, लेडीज़ लोग जो हैंडमेड बनाती है। हर महिला उद्योग को यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए यह हमारा 3रा साल है जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये ट्रेड फेयर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं दीपाली पांडे, पूर्वा कासलीवाल, जयश्री लोहाड़े और सपना पाटनी, ये चारों प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं। कि ऑनलाइन जो बिजनेस चलता है तो काफ़ी लोगों को, शॉप्स वालों को ये पता नहीं रहता कि यहाँ पर भी शॉपिंग अच्छे से हो सकती है। कस्टमर्स को, काफ़ी कस्टमर ऐसे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है, एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें आराम से मिल सकती है, उन शॉप्स की ऐड हो सकती है कि यहाँ यहाँ ये चीज़ों की फैसिलिटीज है, बाहर से भी है, बॉम्बे से, गुजरात, जालना, सोलापुर, उसके बाद श्रीरामपुर, नासिक, काफ़ी बाहर से एक 10-12 स्टॉल है। उड़ान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर सारडा और मैडम सारडा आप कई सालों से चला रहे हैं, जो कि हर फ्राइडे, मंथली या फ्राइडे के लिए होता है, जबकि पूरे जो गरीब बच्चे, एकदम गरीब, जो कि खुद का मेडिसिन भी नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए है। बट ये औरंगाबाद में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ है, तो इसीलिए हमको इंट्रोड्यूस कराना है ताकि आम आदमी भी उनकी मदद के लिए आगे आए।